चलिए देखिए। चलिए देखिए बाबू, आज हम लोग आना आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले थोड़ा पिछला क्लास में हम लोग चलते हैं ना, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, है ना। आज भी हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, हम आपको बोले थे नाउन पहचानना है ना। आप बताओ नाउन को पहचानो, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, एक शब्द लिखे, ठीक चलिए। चलिए मान लीजिए दो सेंटेंस लेके, ठीक है? आपको पहचाना, इसमें नाउन बताना बाबू, है ना। आप पिछला क्लास याद रखो, पिछला क्लास में हम कुछ बताए थे आपको, ठीक है? तो सबसे पहले याद रखो, हम बताए क्या थे। तो हम आपको बोले थे कि अगर आपको नाउन को पहचानना है ना, तो आपको तीन चीज, व्हाट, चलो यहां पे लिखते हैं, जो व्हाट का आंसर दे, बात याद आ रहा है, हु का आंसर दे और हुम का आंसर दे, ठीक है? नाउन को पहचानने के लिए तीन चीज आना जरूरी है, व्हाट, हु, ठीक है? क्या, कौन, किसे, ये ना, क्या, कौन, किसे, क्या बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसका जवाब देते, इसका मतलब वो चीज क्या होता है, नाउन होता है, हमको बताए थे, ठीक है? और अगर इसका जवाब नहीं देता है तो चीज नाउन नहीं होता है ना, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, बात समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो अगर इसके बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा पीछे है ना, पीछे हम लोग देख रहे हैं, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बताइए, है ना, आपके बारे में चर्चा करें, बताओ ये किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है? अरे किसका जवाब दे रहा है भाई, व्हाट का दे रहा है, व्हाट का दे रहा है, इसका मतलब क्या है, नाउन है, क्या बात समझ आ रहा है ना। हाँ, किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट करने का मतलब क्या है, नाउन है, ठीक है? उसके बाद पूछ रहा है रीना कहाँ गई, तो आपके बात समझ में आ रहा है ना। ये जो होम है, आप बताओ ये होम जो है आपका किसका जवाब दे रहा है, तो गौर करो ये वेयर का जवाब दे रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है ना, ये व्हाट, व्हाट का, हु का, हुम का जवाब नहीं दे रहा है बाबू, ये किसका दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है, ठीक है? और हम आपको बताए हैं अगर वेयर का जवाब दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है ना, एडवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, क्या बात समझ में। तो याद करो, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि नाउन को कैसे पहचाने, तो याद रखना व्हाट, हुम का अगर जवाब दे, इसका मतलब वो चीज क्या है, नाउन है, बात समझ में आ रहा है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो दो बात हम लिखे हैं आपको, पीछे वाला थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अब बात याद रखो, आपको बताया था नाउन को पहचानने के लिए, है ना, कुछ चीज हम लिखाए थे, जैसे याद करो विजुअल, है ना, नाउन हो सकता है विजुअल, याद है, फेल्ट ओनली, ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे FAQS, FAQS, है ना, इसका मतलब फीलिंग, इसका मतलब एक्शन, इसका मतलब क्वालिटी, इसका मतलब क्या, स्टेज, क्या बात याद आ रहा है ना। फेल्ट ओनली का मतलब क्या बताए थे, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और क्या, स्टेज, बात याद आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है? इसके बाद तीसरा हम आपको क्या बताए थे कि नाउन को पहचानना है तो हमको पहचानना पड़ेगा क्या, यूनिट, एक पहचान क्या है, यूनिट, ठीक है? और चौथा नंबर की बात करें तो आपको बताया थे, याद करो, नाउन इक्विवेलेंट, क्या बात याद आ रहा ना, इक्विवेलेंट ना, चलिए इक्विवेलेंट, क्या बात याद आ रहा है, ठीक है? देखो फिर से दोहराते हैं, हम आपको क्या बताते हैं कि अगर आपको नाउन को पहचानना है तो बाबू आपको तीन बात याद रखना है, जो चीज व्हाट का, हु का, हुम का आंसर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो हम नाउन पहचाने, क्या ये होम किसका आंसर दे रहा है, देखो नाम तो नाउन ही तो जान रहे हैं, होम, यहाँ पे होम पता चल रहा है, होम किसका, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, अरे किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का,
इसका मतलब व्हाट का आंसर दे रहा है नाउन है, वेयर का आंसर दे रहा है यदि एडवर्ब है, क्या बात समझ आ रहा ना। ये कैसे कैसे पहचानते हैं, विजुअल हो सकता है, फेल्टोनली हो सकता है। फेल्टोनली कहने का मतलब क्या होता है, एफ ए क्यू एस, फेल्टोनली को है ना समझने का तरीका मेरे पास क्या होता है, एफ ए क्यू एस, फीलिंग एक्शन क्वालिटी और स्टेट, क्या बात समझ आ रहा ना। इसके बाद बताए थे यूनिट, इसके बाद क्या होता है तो नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन ही की तरह होता है, बात समझ आया ना, ऐसा बताया था ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। चलिए चलो यही पे थोड़ा सा अगर बात करें हम लोग, याद करो नेक्स्ट पिछले क्लास में इसके काइंड के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो आपको बोले विजुअल में क्या क्या नाउन आ सकता है बताओ, सोचो विजुअल क्या आएगा, क्या बताओ सबसे पहले क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, चलो शॉर्ट में लिख दें। अरे विजुअल में क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, याद आ रहा है कॉमन नाउन बताए थे, कॉमन नाउन ऐसे लिख दे कॉमन नाउन, समझ जाओगे ना। ये प्रोनाउन लिखे हैं, विजुअल में क्या क्या बात क्या होगी, प्रोनाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, और क्या होगा, मेटेरियल नाउन होगा, अरे मेटेरियल नाउन होगा, और क्या बताए थे, कॉलेक्टिव नाउन बताए थे, कॉलेक्टिव नाउन, चलो ऐसे लिख देते हैं, बात समझ में आया ना, कॉलेक्टिव नाउन, क्या बात समझ में आ रहा है। ठीक है तो हम लोग याद करो नाउन के काइंड्स के बारे में चर्चा किए थे, तो आपको बताए थे विजुअल के बारे में, ठीक है। तो विजुअल नाउन कौन कौन होता है, प्रोनाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। फिर से सुनो, प्रोनाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, क्या होगा, कलेक्टिव होगा, बात समझ में आ रहा ना। तो बताए थे इस सब नाउन क्या आपका विजुअल नाउन है, कैसा नाउन है बाबू, विजुअल नाउन है, ठीक है, बात याद आ रहा होगा, है ना। उसके बाद आपको बताए थे फेल्टोनी नाउन क्या होता है, इसका मतलब लोग समझते हैं FAQS, है ना, इसमें क्या आता है आपको बता रहे थे, याद करो। तो पिछले क्लास में लोग चार गो के बारे में पढ़ चुके थे, अब क्या बताया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें हमको क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है, है ना, कुछ हम वर्ड लिख रहे हैं जिसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है, चलिए ठीक है। चलिए चलिए, तो कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं जिसको आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है, तो आज का चर्चा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं, जनरली हम बताएं तो अभी बताएं, इसका मतलब क्या, एफ ए क्यू एस, फीलिंग फीलिंग एक्शन क्वालिटी स्टेट, क्या बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। ठीक है तो चलिए चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, चलिए कुछ वर्ड हम लिखे हैं ना जिसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है, तो को पहचानना है कैसा क्या है ना, क्या क्या है इसमें आपको, चलो सिंपल सुनो, आपको पहचानना है क्या क्या है, ठीक है। चलो कुछ चीज हम लिखे जिसमें आपको पहचानना है क्या क्या है ना, ऑनेस्टी,
चलिए, तो इसको इसमें आपको पहचानना है, ठीक है, जल्दी से पहचानिए। हाँ, आप इसमें एक चीज गौर से देखो, ठीक है ना, देखो इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा आपको दिखेगा, जैसे आप एक चीज गौर से देखो, इसमें कुछ ना कुछ आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। बात पहले समझना, ठीक है? ठीक है, देखो इसमें कुछ ना कुछ आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल बताना चाह रहे हैं, देखें। चलो आप समझो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एफिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एफिक्स, ठीक है? देखो, तब वो कुछ बात याद रखना बाबू। एफिक्स जो होता है ना, देखो कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले दो प्रकार, इसको बोलते हैं प्रफिक्स, बात समझ में आ रहा है? आई को बोलते हैं सफिक्स। देखो हम क्या बता रहे हैं, देखो सब में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, देख लो जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना, है ना? देखो इसमें भी जुड़ा अनुष्टी, है ना, लव, ये तो अपने आप में पूरा है, ये है ना, इसमें क्या जोड़े? बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, इसी यहाँ आते हैं, ठीक है? इसमें देखिए जुड़ा हुआ, इसमें देखो फ्रेंडशिप, है ना, सबसे अच्छी बात, सब है ना। उसके बाद क्या, जब फ्रेंडशिप करोगे हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस होगा, एंजॉयमेंट होगा, एंजॉयमेंट होगा, हंसी खुशी हो जाएगा, बात खत्म। चलो ठीक है, तो देखो सब में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ, एक चीज याद रखना, ठीक है ना? तो देखो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिक्स, है ना, जो जिसका जो देखो इसको जिसको हम दो प्रकार से किए हैं, क्या परफिक्स और क्या किए सफिक्स। पहला चीज क्या किया, परफिक्स, और फिर क्या किए, क्या किए हैं, सफिक्स, है ना। और ध्यान देना, इस दोनों के जो जोड़ता है उसको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं इसको? रूट। रूट मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, है ना, शब्दों का मूल रूप, जोड़ना। बात समझ में आना? ये दोनों के जोड़ता है रूट। क्या समझ में आना? ठीक है, तो देखो क्लियर क्लियर समझना, ठीक है? अब देखो जैसे मान लो कुछ हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे मान लो कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, चलो कुछ सीखते हैं। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, है ना, चलो ठीक है। जैसे मान लो एक बात समझ, ठीक है, फिर लिखे मान लो कुछ शब्द लिख देते हैं, कुछ वर्ड लिख दिए, मान लो आपको समझने के लिए, चलिए क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अब समझो, देखो कुछ वर्ड हम लिखे हैं, ठीक है ना, हम इसमें खोजेंगे प्रफिक्स कहाँ है, सफिक्स क्या है, रूट कहाँ है। चलो बात समझना, ठीक है? अब जैसे दिमाग लगाओ, देखो ध्यान सोचना, देखो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं प्रफिक्स। चलो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रफिक्स। क्या बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? इस देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? सफिक्स। इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्ट को बोलते हैं रूट। क्या बात समझ में आ रहा है? इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। तो देखो हम तुम आपको बता रहे हैं कैसे जुड़ता है, देखो सब में देखो वाई जुटा, ईडी जुटा, SHIP जुटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैसे जुड़ता है, वही चीज बता रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिक्स। इसको दो प्रकार से बांटे, परफिक्स और क्या, सफिक्स। इसके मूल रूप बीच को क्या बोलते हैं, रूट, है
है ना, ये क्या करता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है, जोड़ने का काम, ठीक है। जैसे मान लो एक वर्ड हम लिखे, जिसमें देखो इसको क्या बोलेंगे, आयन को क्या बोलेंगे, परफिक्स, एक्ट को क्या बोलेंगे, रूट, इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो तो यहां से ई के किसका काम किया, प्रफिक्स का, चलो शॉर्ट में लिख रहे हैं, ई क्या चाहिए काम किया, सफिक्स का। क्या बात क्लियर हो रहा है? एक बार जरा बताओगे क्या बात क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद देखो तो देखो शब्द क्या होता है, पॉसिबल, इसको आई एम जोड़ के हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। अरे सब तो पॉसिबल होता है ना, बात समझ में आ रहा ना, इसको आई एम जोड़ के हम क्या कर दिए, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो देखो तो ये क्या है, अरे ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रफिक्स। ये क्या है, इसको बोलते हैं रूट। अरे इसको क्या बोलते हैं, रूट। क्या बात समझ में आ रहा है, जरा बताना क्या क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे बाबू इसको रूट है ना, चलो है ना, प्योर, उसको क्या जोड़े, इम्प्योर। बात समझ में आना, इसको क्या बोलते हैं, प्रफिक्स, इसको क्या बोलते हैं, रूट। चलो देखो है ना, यहाँ पे समझना। अब देखो आगे इंपेयरमेंट, अब देखो ई क्या है, प्रफिक्स है, ये क्या है, रूट है, इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। बात समझना, ठीक है, बात समझ में आया ना। अब देखो आगे देखते हैं, देखो देखो इसको क्या बोलते हैं, ये रूट है, और इसको क्या बोलते हैं, रूट है। क्या बात समझ में आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स है। देखो अब देखो शब्द वर्ड में कैसे कैसे सफिक्स, कैसे प्रफिक्स, रूट कैसे जोड़ते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहचानने का कुछ तरीका समझते हैं, ठीक है ना। तो एक बार बढ़िया से देखिए क्या ये बात समझ में आया आपको, है ना, कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाएं, क्या बात समझ में आ रहा है। चलिए इसका मतलब हम लोग क्या सीखे, चलो जरा यहाँ पे गौर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जरा नीचे गौर करते हैं, बात समझना, ठीक है। चलिए याद करना, देखो क्या सीखे, यहाँ पे गौर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो सफिक्स लिख दिया हम, गौर कर क्या लिखे, सफिक्स लिख दिए, ठीक है। ये चीज क्या होता है याद रखना, अब्जेक्ट नाउन होता है, क्या होता है, अब्जेक्ट नाउन होता है, बात समझने आता है, ठीक है। अब देखो इसमें जोड़ने का काम क्या होता है, बात समझो, इसमें जोड़ने का काम क्या होता है, देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं ईशन। देखो ये जुड़ सकता है, या इसको बोलते हैं सन, चलो ऐसे लिख देते हैं सन, इसको ईशन बोलते हैं, टी आई ओ एन के क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं, आयन। देखो पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आयन, बात समझ में आया ना, इसको क्या बोलते हैं, देखो, ठीक है, आगे देखना, आगे समझना, आगे बात को समझते हैं, ठीक है, टी वाई वाई, देखो टी लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए टी लिखा हुआ है, देखो यहां भी टी लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि आपको दिख जाए, यहां भी टी लिखा हुआ है, यहां भी टी लिखा हुआ है, क्या बात समझ में आ रहा है ना, है ना। हम आपको बोले अंत में क्या क्या जुड़ता है, देखिए हम आपको समझा रहे हैं बाबू, अंत में क्या क्या जुड़ता है, क्या बात समझ में आ रहा है, हमको क्या बता रहे, अंत में क्या जुड़ता है, बात समझ में आ रहा है ना, है ना। और क्या जुड़ सकता है, टी एच, क्लियर है। उसके बाद और क्या जुड़ सकता है, एच, क्या जुड़ सकता है, सीप, जैसे देखो फ्रेंडशिप, देखो जुड़े हैं, देखो, ठीक है, और क्या जुड़ सकता है, टी आर, अरे बात समझना, क्या बात समझ में आ रहा है ना, और क्या जुड़ सकता है, देखो, ठीक है। अब देखो यहां पे नहीं लिखते हैं ना, ज्यादा आगे लिखेंगे दिखेगा नहीं, है ना, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना, उसके बाद लिख रहे हैं, देखो उसके बाद लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या जुड़ सकता है, मिंट, जैसे देख लो, ठीक है, देखो इंजॉयमेंट, है ना, क्या बात समझ में आ रहा है। और क्या जुड़ सकता है, जिसको बोलते हैं इज्म, देखो बोलते हैं आई एस एम, इसको बोलते हैं इज्म, क्या बोलते हैं। फिर इसमें क्या जुड़ सकता है, डम, ठीक है, याद रखना है, जिसके अंत में, जिसके अंत में देखो ईशन, सन, आयुएन, ठीक है, आयन बोलते हैं, ई जुड़ेगा, देखो जिसके अंत में ये सब टोटल चीज आपको जुड़ा हुआ दिखे उसको हम क्या बोलते हैं, अब्जेक्ट नाउन बोलते हैं। फिर समझना, जिसके अंत में अगर ये सब आपको जुड़ा हुआ दिखे, जितने जो हम लिखे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैसा नाउन होता है, ये अब्जेक्ट नाउन होता है, कैसा नाउन होता है, अब्जेक्ट नाउन होता है। देखो इससे पहले हम आपको बताएं,
है ना, एफिक्स के बारे में बताया, प्रीफिक्स सफिक्स रूट, क्या बात समझ में आ रहा ना। इसी चीज को देखो हम लोग बना रहे हैं, इसी चीज को देखो। अब बताओ, अब देखो समझने काम करते हैं ठीक ना। हम आपको क्या बोले इसको समझो, देखो ऑनेस्टी अपने क्या होता है बताओ। तो ऑनेस्टी जो है ना, ऑनेस्टी दिखता नहीं है, महसूस होता है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव। अब अभी कुछ देर पहले हमको क्या बोले कि इसको पहचानना है, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है। देखो ई क्या चीज काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। अरे क्या चीज काम कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है आवाज, देखो आवाज साफ साफ आ रहा है ना। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे तो आवाज कैसे आएगा, ठीक है चलो देखो ठीक है। तो अब हम कुछ देखो कुछ वर्ड लिख रहे हैं बाबू, है ना। कुछ वर्ड में देखो सिंपल बात बता रहे हैं, आपको क्या करना है देखो हमें अभी बताएं। ऑब्जेक्ट नाउन ऐसे जोड़ के बनता है ठीक है। कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, कुछ वर्ड लिख रहे हैं, सॉरी कुछ वर्ड लिख रहे हैं जिसमें आपको जोड़ना है, ऑब्जेक्ट नाउन बनाना है ठीक है। चलो देखते हैं ठीक है ना। चलिए तो बात को आगे बढ़ाया जाए ठीक है। चलो इस जितना शब्द लिख रहे हैं, जितना वर्ड लिख रहे हैं ना, सबको आप ऑब्जेक्ट नाउन बनाओ ठीक है। चलो थोड़ा ऐसे लिखते हैं, शायद दिख नहीं रहा लगता है ना। चलो सब काम को आप स्टेप नाउन बना के दिखाइए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के आप दिखाइए हमको ठीक है। चलो रियल लिखें,
चलिए इन सब का क्या करिए आप, अब्सेक नाउन हमको बना के दिखाइए, ठीक है। इस सब का क्या करना है, वो अब्सेक नाउन बना के दिखाना है, ठीक है। हमको आप अब्सेक नाउन बना के दिखाइए, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। देखो देखो मैनेज, देखो इसको हम क्या बनाएंगे बताता हूँ, दिमाग लगाओ, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट है ना। और याद रखना मैनेजमेंट जो होता है महसूस किया जाता है, क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है ना, देखा नहीं जा सकता है, बात समझ में आया ना। तो हम लोग क्या लगाते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, देखो यहां पे दिमाग लगाओ, देखो यहां पे एक चीज सोचना है ना। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, रिवीजन। अरे क्या बनाएंगे, रिवीजन, यानी एक चीज गौर करो। देखो यहां पे हम लोग किए क्या, बात समझना, हम लोग किए क्या, देखो अगर इसको जनरली लिखे तो हम लोग क्या किए, बात समझो, हम लोग यहां पे आई ओ एन लगाए, अरे एन लगाए ना, अरे बात समझ में आ रहा है ना। यानी देखो इसको क्या करें, देखो इसको क्या किए, इसको हटा दिए, और इसको क्या किए, हटा दिए, और इसको हम क्या लिखे, देखो क्या लिखे, देखो समझो क्या लिखे इसको, रिवीजन। क्या बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज बात सीखो, देखो जैसे हम तुमको बता रहे थे, देखो बात करो, सीखो, देखो हम तुमको बता रहे थे, याद करो, इससे पहले हम तुमको क्या बताए, इससे पहले हमको सफिक्स बताया, परफिक्स बताया, बताया ना, है ना। जैसे हम बताए थे एफिक्स, बात समझ यहाँ पे, आप क्या संबंध है, बात संबंध है, एफिक्स बता रहे थे, ठीक है। इसमें हम आप लोग के क्या बताए, सुनो, यहां पे जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, परफिक्स, यहां पे क्या होता है, सफिक्स। चलिए एक बार देख लेते, दिख तो रहा है ना, चलिए दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करो, देखो हम बताए थे इसमें जोड़ने का जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, अरे क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोले थे, है ना, बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, क्या बोले थे इसको, बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, क्या बात समझ में आना, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात क्या हुआ, सुनो यहाँ पे बात समझना है, यहाँ पे देखो आई को हटाकर, आई को हटाकर, देखो सॉरी ई को हटाकर आई लगाया गया है, ई को हटाकर क्या किया, आई लगाया गया है, क्या बात समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद करना, इनफिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिक्स, क्या बात समझ में आया। जब भी किसी अल्फाबेट को, जब भी किसी अल्फाबेट को हटाकर उसके जगह कोई और चीज लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिक्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनफिक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या किया, ई को हटाकर क्या लगाया, देखो लगा दी, क्या बात समझ में आ रहा ना। अब देखो तो इसका अब्सेक्ट नाउन बनाओ, डिसाइड का, इसको क्या बोलेंगे, देखो तो क्या बोलेंगे, देखो तो, देखो तो आप गौर करो इसमें क्या हटा, अरे इसमें क्या हटा, देख लो हट गया ना, डी इसमें हट गया, है ना। इसे डीओ को क्या, देखो हटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिक्स, हटाने का काम करते, क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिक्स, क्या बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, चलो ठीक है ना। इसके बाद देखो तो इसको, इसको क्या बोलते हैं, स्टारडम, क्या बाबू बात समझ में आ रहा है, अरे क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना। आपको अब्सेक नाउन बनाना है, जरा आप देखो समझो, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हमको, हम लोग देखो ई हट जाए क्या बोलेंगे, विजडम, देखो क्या बात समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, देखो आई ओ एन लगाए, क्लियर है ना। अब कुछ, अब देखो इसको क्या बनाएंगे, जरा जल्दी से बताना इसको क्या बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं ना, इसको हम जरा मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, बात आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, चलिए देखो एक चीज ध्यान देना, अगर मान लो कुछ बच्चा लोग बोले कि मान लो कि रियल को हम ऐसे बनाए, देखो रियल को हम ऐसे बनाए, रियली,
ठीक है, तो एक चीज देना बाबू, रियली कोई नाउन नहीं होता है। अरे बात समझ में आना, अगर जिसमें हम अगर हम एल वाई जोड़ दें, जिसमें अगर हम एल वाई जोड़ दें, बात समझो, जिसमें अगर हम फिर से बोल रहे हैं, जिसमें अगर हम एल वाई जोड़ दें, बात समझो ठीक है, जिसमें अगर हम एल वाई जोड़ दें तो या तो ये एडवर्ब होगा या तो क्या होगा एडजेक्टिव होगा, सॉरी या तो एडवर्ब होगा या तो क्या होगा एडजेक्टिव होगा, ये नाउन नहीं होगा। जिसमें एल वाई जुड़ जाता है वो चीज नाउन नहीं होता है, याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, अगर एल वाई जोड़ देंगे वो चीज नाउन नहीं होगा, ठीक है, या तो एडवर्ब का काम करेगा या तो क्या क्या काम करेगा एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसको रियली नहीं बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, या तो क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं रिलीज, इसका मतलब क्या होता है यथार्थवाद, क्या होता है इसका मतलब यथार्थवाद। अच्छा एक ए छूट गया, अच्छा एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, ए छूट गया, चलो इसमें क्या बोलते हैं यथार्थवाद, क्या बात समझ आ रहा है ना, रिलीज, ठीक है। अब देखो तो यहां पे तेरा गौर करना, ठीक है, यहां पे थोड़ा गौर करना, इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, चलो यहां से लिखते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अरे हमको एडवर्ब बनाना है, क्या लगा सकते हैं, पुअरनेस, और जरा बताओ, चलो इसको मिटा देना, ठीक है, इसको थोड़ा हटा दिया जाए, और जरा बताओ और क्या कर सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ जरा, पुअरटी कहते हैं ना, POVERTY। अब एक बात समझना, देखो यहां पे बात समझना, देखो देखो अब दिमाग लगा रहा है, देखो ये पी डब्ल्यू आर था, यहाँ पे देखो यहाँ के, देखो यहाँ के बाद हट गया, बी आर हो गया, अभी नहीं समझना क्या हो गया, देखो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनफिक्स, अभी बताएं, तो कुछ देर पहले बताए थे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिक्स, क्या बोलते हैं इनफिक्स, है ना, क्या वी आर क्या है यहाँ पे, इनफिक्स है ना, क्या बात समझ आ रहा, क्लियर यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका बताओ जल्दी इसका करो, देखो तो सही है, गलती लिख दी है, एक मिनट, चलो अब सही है, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, लाइफ, अरे बताओ जल्दी लाइफ को क्या लिख सकते हैं, कुछ बच्चा बोलेगा अगर लाइव नहीं देखो तो ये लिख सकते हैं, तो अभी आपको बताइए नाउन नहीं होता है, मतलब क्या होता है एडजेक्टिव, नहीं तो क्या एडवर्ब भी नहीं लिख सकते हैं, क्या बात समझ में आ रहा है ना, क्या बात समझ में आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइफ, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, लाइफ, अरे बात समझते हो ना, कोई पूछता है ना लाइफ कैसा जा रहा है, एकदम मस्त जा रहा है, नहीं है ना, चलो ठीक है, बात समझ में आ रहा है, चलिए लॉन्ग को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ, देख लो अभी कुछ देर पहले हम लिखा था, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट, थिंग का क्या ले सकते हैं, थाउट, क्या बात समझ में आ रहा है, अरे क्या बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो देखो सुनो, अगर मान लो अगर आपसे बोले क्या इसको थिंकर लिख सकते थे क्या, बाबू आपसे क्वेश्चन करते हैं क्या इसको थिंकर लिख सकते थे, तो एक चीज देखो, एक नोटी चीज आप याद रखना, देखो यहां पे लिखते हैं, एक नोटी चीज आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे भाई, देखो अगर किसी वर्ब में ईआर या ओआर जुड़ जाता है, याद रखना ईआर, चलो वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, देखो बात समझना यहां पे, ठीक है, ईआर या ओआर जोड़ा जाए, ईआर या ओआर जोड़ा जाए, इस तब बनता है क्या कॉमन नाउन, क्या बनता है कॉमन नाउन, अरे क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, हमको क्या बनाना था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, अगर आपके दिमाग में चला कि थिंकर बनाएंगे तो याद रखना ईआर या ओआर जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है कॉमन नाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको दिमाग में रखना, ठीक ना, कई सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, ठीक है, कई सारा आपको बात समझ में आएगा, बनेगा, तो ईआर या ओआर जो एड होता है लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन, जैसे देखो समझो, जैसे हम लिखे टीचर, बात समझो टीचर, चलो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, देखो टीचर, बात समझ लो, है ना, अब अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ा गौर करो, टीचर है ना, अब बताओ हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मान लो हम बोले, ठीक है, जैसे मान लो हम क्या लिखे सिंगर,
देखो कैसा नाउन बना, कॉमन नाउन बना। अरे सिंगल तो कोई भी हो सकता है, टीचर तो आप तो बोलेंगे टीचर तो कोई भी हो सकता है, कौन टीचर बोलेंगे ना, टीचर तो कोई भी हो सकता है, जो कोई भी होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अरे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, बात समझा रहा ना। तो जिसमें बाबू ईआर जुड़ जाता है या ओआर जुड़ जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नाउन। हम आपको क्या बोले, इसको सबको अब्जेक्ट नाउन में बदलना था, किसमें बदलना था, अब्जेक्ट नाउन में। क्या बात समझ आ रहा ना, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, थाउट होगा ना कि होगा थिंकर। क्या बात समझ आ रहा है, चलिए क्लियर है, चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक बात होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक आप क्लियर करो बढ़िया से, ठीक है। जिस स्टूडेंट का नाउन अगर क्लियर हो जाता है तो पार्ट ऑफ स्पीच उसको समझने में एकदम आसानी होगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा वहां पे। चलिए तो बात को बेसिक रखेंगे, है ना, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे चर्चा करें नाउन के बारे में, ठीक है। चलो अब देखो, जैसा कि हम आपसे अगर पूछे, बात समझना, देखो फिर हम कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। अगर कुछ पूछे तो सबसे पहले देखो, आप जानते होंगे एक होता है कॉन्टेबल, एक क्या होता है अनकाउंटेबल, बात को समझो, ठीक है ना। चलिए एक क्या होता है कॉन्टेबल, एक क्या होता है अनकाउंटेबल, क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, नाउन को हम लोग बांट सकते हैं कॉन्टेबल में, क्या मार सकते हैं अनकाउंटेबल में, है ना। अब देखो कुछ हम फिर वर्ड लिख रहे हैं, है ना, आपको पहचानना है कौन नाउन काउंटेबल है, कौन नाउन क्या अनकाउंटेबल है, बात समझ में आ रहा है ना। फिर हम कुछ लिख रहे हैं, आपको पहचानना है कौन नाउन काउंटेबल है, कौन क्या है अनकाउंटेबल। चलिए ठीक है, क्लियर करते हैं, चलो देखिए, चलो लिख रहे हैं, बात समझना, आपको बताना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आपको क्या पहचाना है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बात समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है बाबू, को पहचानना है, फिर से हम बोल रहे हैं आपको पहचानना है ना, नाउन कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जल्दी से पहचानो, जल्दी से पहचानो नाउन कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, ठीक है, जल्दी से पहचानो। Vamos.
चलो सबसे पहले कुछ हम बात बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना काउंटेबल नाउन में क्या आता है, ध्यान देना, यहां पे कॉमा नाउन आता है, बात को समझो, ठीक है। काउंटेबल में क्या क्या आ सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर होगा बाबू, क्या होगा, सिंगुलर होगा, या क्या होगा, प्लूरल होगा, बात समझ आया ना। हाँ, काउंटेबल में क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर है या क्या बोलते हैं, प्लूरल है, क्या बात समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। देखो इसी चीज को सफिक्स बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना, एस या ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, क्या बात समझ आया। अगर आपको इसके बारे में चर्चा करें, अनकाउंटेबल के बारे में चर्चा करें, तो क्या आता है, मेटेरियल नाउन आता है, बात को समझो, मेटेरियल नाउन आ सकता है। और आपका क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, अरे और क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, क्या बात समझ में आ रहा है ना। देखो याद रखना, ये सिंगुलर होता है, अरे क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, प्लूरल कभी भी नहीं होता है, प्लूरल कभी भी नहीं होता है, और इसमें एस या आई एस नहीं लगाते हैं, इसमें एस या आई एस नहीं लगाते हैं, क्या बात समझ में आया। अनकंटेबल में क्या करते हैं, अनकंटेबल कभी प्लूरल नहीं होता, इसमें एस या आई एस नहीं लगाते हैं, क्या बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो यहां पे बात करते हैं, सुनो, बात समझो, बात को समझा जाए, ठीक है। अब देखो तो अस्तार कैसा नाउन है, बता तो, आप बोलोगे काउंटेबल है, अरे कैसा नाउन है, चलो नीचे लिखते हैं काउंटेबल है, क्या बात समझ में आना, ठीक है। हम बोलेंगे कार, कार कैसा नाउन है, काउंटेबल है, अरे क्या बात समझ में आ रहा है। ट्रैफिक बाबू, ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, ट्रैफिक देख नहीं सकते हैं, अभी मत करना, भीड़ के बारे में बोल रहे हैं ना, ट्रैफिक, बात समझ में आ रहा ना। सिंगर, सिंगर अभी बताएं, ईआर क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। नाम बता, बता तो, अकाउंटेबल है क्या, अनकाउंटेबल है, जल्दी से कोई बच्चा बताएगा, अकाउंटेबल है क्या, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, देखो कैसा होता है, देखो नाम जो होता है अनकाउंटेबल होता है, मालूम बोले रवीस तो रवि बोलेगा भाई ये आप मेरा नाम बिगाड़ दिया है ना, जैसे हम बोलेंगे स्वीटीज है ना, तो स्वीटी बोलेगी क्या चाहिए, कि सर लगता है कि आज है ना मस्ती के मूड में नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि नाम का आप लोग एस या एस नहीं लगा सकते, बात समझ आ रहा, तो कैसा नाम इसको बोलते हैं हम लोग, अनकंटेबल, क्या बोलते हैं, अनकंटेबल। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं, चलो वेनसडे, बात होता है वेनसडे क्या है, अनकंटेबल है। देखो बात को समझो, नाउन क्लियर होना बहुत जरूरी है, मंथ क्या है, काउंटेबल है, अरे मंथ क्या है, काउंटेबल है। ज्वेलरी अभी बताएं, ज्वेलरी जरा बताओ, ई आर वाई लगा, क्या है, कैसा है, अनकाउंटेबल है, अरे कैसा है, अनकाउंटेबल है, क्या बात समझ में आ रहा। रिंग कैसा नाम है बताओ, काउंटेबल है, अरे रिंग कैसा नाम है बताओ, काउंटेबल है, कैसा है, काउंटेबल है, क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बात करें, बताओ कैसा है, अनकाउंटेबल है, अरे कैसा है, अनकाउंटेबल है। मैनेजमेंट बताओ, देख नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, अरे क्या चीज है, अनकाउंटेबल है, क्या बात समझ में आ रहा है। टीचर अभी बताएं, ये अलग अलग बताओ, काउंटेबल है, बताओ। सिंगिंग है ना, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या बात समझ में आ रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बताओ ये भी क्या है, देखो अनकाउंटेबल है, अरे क्या ये भी अनकंटेबल है, ठीक है। लव के बारे में बोले अनकंटेबल है, अब बताओ चाइल्डहुड, इसके बारे में बोल रहे हैं, बताओ क्या है, ठीक है, ये भी चीज क्या है, अनकंटेबल है। मिल्क आपको बोले, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है, कैसा है, अनकंटेबल है, देख लो, देख लो यहाँ पे लिखे हैं, देख लो यहाँ पे लिखे है ना, अनकंटेबल, देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, देखो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इतना प्लस ई आर वाई जुड़ रहा है, ई आर वाई अभी कुछ देर पहले बताए थे हम, क्या बात समझ में आया ना। हेयर, हेयर
ऑलरेडी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है. क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है. तो आपको यही पहचाना था बाबू कौन काउंटेबल नाउन है, कौन क्या है, अनकाउंटेबल होगा. क्या बात समझ में आया? ठीक है. तो देखो अब बाबू हम लोग आज क्या करें ना, बेसिक बात करें. ठीक है, ऐसे हम देखो इसमें मैथ भी पढ़ाया करेंगे. ठीक है ना, आपका जो भी कॉम्पिटिटिव का जो भी होगा है ना, सब पढ़ाया करेंगे. ठीक है, इस समय आपका मैथ भी पढ़ाया करेंगे. अभी इंग्लिश कर रहे हैं. ठीक है ना, उसके बाद हम लोग मैथ का एक चीज हम अपलोड किए थे, लाइव पढ़ाए थे. ठीक है, उसके बाद उसको भी पढ़ाएंगे. ठीक है ना, तो आपका मैथ में जरा था नंबर सिस्टम, तीन दिन बांट देंगे. ठीक है ना, और कोशिश यही रहेगी कि आपको टोटल चैप्टर हम पढ़ा दें. ठीक है, तो चलिए आज 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 का इतना ही क्लास करते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है.